इस बाइक के साथ ना इशू क्या आ रहा था मुझे, तो क्या होता था जब मैं सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में डाउन शिफ्ट करता था तो मेरे हेड पे झटका आता था। तो यार मतलब उसको ना बड़ा डर सा लगता था कि भाई कभी टूट ना जाए ऐसा कुछ। अब बात कर लेते हैं कि भाई पैसा कितना लगा है। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो यार फाइनली हमारी बाइक ने कंप्लीट कर लिए 500 किलोमीटर एंड आज हम जा रहे हैं उसकी सर्विस के लिए एंड उसके बाद हम निकलने वाले हैं एक लॉन्ग राइड के लिए। और वो जो लॉन्ग राइड है ना दोस्तों, हर बाइकर्स का फर्स्ट ड्रीम वही होता है। तो अगर आप गेस कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो किस डेस्टिनेशन की बात है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, मेरे दोस्त भी पहली बार जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। बट पहले उससे पहले करानी है सर्विस एंड फिर देखते हैं कि कैसा होता है सब कुछ, राइट। तो अब मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। सो दोस्तों फाइनली आ गए हैं बाइक पर और ये देख सकते हो 532 किलोमीटर हमने बाइक रन कर दी अपनी। टाइम हो रहा है 1 और मैं थोड़ा सा लेट हूँ, तो यार निकलते हैं भाई। आवाज़ तो भाई बाइक की क्या कमाल की आवाज़ है यार। एंड आज मैं लेट हूँ क्योंकि ऑलरेडी 1 बज गया है, तो पता नहीं भाई सर्विस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। खैर हो तो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो विंडशील्ड है दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपकी चेस्ट तक ये विंड प्रोटेक्शन करता है, लेकिन हेलमेट में ना बड़ी ज़ोर का विंड ब्लास्ट लगता है यार उससे। एंड आई होप उससे साउंड में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, वरना भाई कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड दोस्तों व्यू बताना मुझे कि कैसा लग रहा है। तो भाई थोड़ा देख के निकाल के चलते हैं सर्विस सेंटर एंड कराते हैं सर्विस। मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाए सिर्फ सर्विस और शोरूम में बैठे हुए, क्योंकि यार टाइम भी लग जाता है ना कभी कभार। तो चलते हैं भाई इस बाइक के साथ। ओवरटेकिंग इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, मतलब ऐसे 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 करके निकलो आप आराम से, मतलब बिल्कुल सेफ्टी के साथ, हाई स्पीड पे नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा, लेकिन ये बाइक ना बहुत ही अच्छा पुल देती है एंड आप आराम से मैन्यूवर करके इसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ ना दिल्ली में, तो भाई वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और वो है बहुत ही हॉट। अभी इतनी तगड़ी धूप हो रही है और अगर आप बाहर निकलते हो टू व्हीलर में भाई साहब, मतलब आप जल जाओगे एक्चुअली में, राइट। बहुत ही गर्मी हो रही है, बहुत ही ख़तरनाक टेम्परेचर चल रहा है और ये कभी भी बदल जाता है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है, कभी भी ओले गिर जाते हैं। तो आई डोंट नो भगवान ने कौन सा मोड ऑन कर रखा है टेम्परेचर के लिए, बट जो भी है फिलहाल यही है। और दोस्तों अगर मैं इस बाइक की बात करूँ ना, इस बाइक को चलाने के बाद मुझे फील हो रहा है ना भाई, इतने आराम से आप मैन्यूवर करो, इतने आराम से, क्योंकि इसके अंदर आपको पुल इतना अच्छा मिलता है ना दोस्तों, आप आराम से ओवरटेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों पावर के साथ साथ ना ये बाइक फ्यूल बहुत ज़्यादा खाती है। अभी तक मैंने जब से बाइक ली है मैंने 4000 रुपीज़ का इसमें फ्यूल डलवा रखा है एंड अभी देख सकते हो 4 इंडिकेटर बाकी है। 537 किलोमीटर ये चल चुकी है। एवरेज अभी मैंने नोट नहीं करी है, इस सर्विस के बाद मैं इसका माइलेज टेस्ट बनाऊँगा कि यार कितना का माइलेज दे रही है, क्योंकि यार मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए, राइट। एंड हमारी ट्रिप भी आ रही है अब, तो होपफुली दोस्तों माइलेज अच्छा दे भाई बाइक आपसे सर्विस। एंड आई सीन कपल ऑफ पीपल हैव मेड वीडियोस ऑफ माइलेज टेस्ट, बट वो बिना, मतलब वो सर्विस से पहले का है एंड कहते हैं सर्विस के बाद ना थोड़ी बहुत माइलेज बढ़ जाती है। तो विल चेक दैट एंड वट एवर हैपन्स आई विल जस्ट लेट यू नो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो फार। तो भाई थोड़ा निकलते हैं अभी यार सर्विस सेंटर, ताकि हमारी बाइक आज ही सर्विस हो जाए। और भाई देख रहे हो क्या पुल जा रहा है भाई बाइक का, क्या पुल जा रहा है, मज़ा आ गया भाई। आज मैं इस बाइक को सर्विस कराने लेके जा रहा हूँ और आज इतनी स्मूथ फील हो रही है वह ना चलाने में। वेल इंजन इज़ वेरी रिफाइंड भाई, नो डाउट इंजन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसा मक्खन सा फील आ रहा है यार। ऐसा लग रहा है आप इनलाइन 4 चला रहे हो, तो मस्त सा फील आ रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों देखो ट्रैफिक है, गर्मी है, तो यू नो तंगड़ी का बाप तो बनना ही है पैरों का। तो जैसे ही रेड लाइट आती है ट्रैफिक में मैं रोकता हूँ अपनी बाइक। ओहो भाई इंजन स्टार्ट्स प्रोवाइडिंग हीट, बट दोस्तों वो टाइम के साथ चले जाता है, ऐसा कोई बिग इशू नहीं है। मतलब हाँ बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ टाइम के साथ थोड़ा हो जाता है। एंड इसकी फर्स्ट सर्विस है 500 किलोमीटर्स के ऊपर एंड आई थिंक आपको लाइक मैनी ऑफ यू मस्ट नो कि इतनी जल्दी सर्विस क्यों होती है। अगर नहीं होता तो मैं बता देता हूँ कि यार देखो जब बाइक नई होती है, इंजन बिल्कुल नया होता है, तो उसमें क्या होता है सारे पार्ट्स नए होते हैं, तो जब एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन होता है उससे बहुत ही स्मॉल टाइनी मेटल पार्ट जो होते हैं ना इंजन में, इंजन ऑयल में आ जाते हैं, और उनकी वजह से इंजन ख़राब ना हो इसलिए जल्द से जल्द बाइक की सर्विस कर दी जाती है, नया ऑयल डाल दिया जाता है, राइट। तो जो भी मेटल पार्ट वगैरह वो निकल जाएंगे, नया ऑयल डल जाता है, उसके बाद आप बाइक लंबी चला सकते हो।
एंड बस मैं भी बहुत खुश हूँ कि यार फाइनली भाई सर्विस हो जाएगी, तो भाई हम अपनी लॉन्ग राइड के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड, आई हैव नेवर बीन देयर। एंड अगर अभी तक आपको नाम पता चल गया हम जहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, लेट मी सी कि भाई कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों की वो फर्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों अब सीधा आपसे मिलता हूँ मैं शोरूम पे, एंड भाई बाइक चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं सर्विस सेंटर, और आज है संडे इसीलिए ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, और थोड़ा बहुत ही था वो भी कुछ कुछ रोड पे, बाकी बिल्कुल खाली था। तो फाइनली जल्दी जल्दी हम यार सर्विस सेंटर आ गए हैं, हम इसकी करवाते हैं बाइक की सर्विस। एंड आज भीड़ होएगी यार, भीड़ तो देखो नो डाउट होएगी। एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है। ओह मन लगानी है। ओह ये तो ये करण भैया जा रहे हैं हमारी बाइक को टेस्ट राइड लेने, एंड फिर बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये गई हमारी सुपर मीटर, और ये गई इसके ऊपर आरी क्लासिक। तो दोस्तों हमारी बाइक वॉश होकर यहाँ पर आ गई है फिलहाल ठंडी होने के लिए, राइट। एंड अब इसकी सर्विस होगी, तो इसमें मोटा मोटा जो खर्चा आया है वो है इंजन ऑयल का, एंड उसी के साथ साथ इसकी जो सर्विस किट है वो चेंज होगी, टेपेड एडजस्ट होंगे जो कि अभी तक मुझे बताया गया है। बाकी इसको लेके चलते हैं अंदर, एंड फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। तो भाई हमारी बाइक लग गई है सर्विस। गई है बाइक की, और देख सकते हो भाई बाइक कैसे लग रही है, मस्त एकदम भाई, दूर से ही अलग ही लगती है भाई बाइक, पूरी खतरनाक वाली। ये देखो यार चीज़ है भाई, आर्य ने बहुत बढ़िया बनाई है। तो अब बिलिंग कराएंगे एंड से निकलेंगे घर की तरफ, चलते हैं भाई। थैंक यू भैया। और क्या बात है, एक स्मूथिंग एक्सपीरियंस, वाह गियर भी कितने प्यार से शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि अब हमारे को टेंशन नहीं है, अब हम इसको लॉन्ग राइड पे लेकर निकल सकते हैं। तो भाई ऑनेस्टली अब बाइक चलाने में और भी ज़्यादा स्मूथ लग रही है, ऐसा लग रहा है इंजन में मक्खन डाल दिया हो इन्होंने। और मैं बताता हूँ इस बाइक के साथ ना इशू क्या आ रहा था मुझे, बेसिकली मेजरली तो कोई इशू नहीं था, जो इसका बैकरेस्ट है वो थोड़ा सा ढीला था, एंड जो मेन इशू आ रहा था वो था कि भाई जब मैं इस गियर को शिफ्ट कर रहा था, मान लो मैं सेकंड गियर में हूँ, स्पेशली सेकंड गियर में होता था, तो क्या होता था जब मैं सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में डाउन शिफ्ट करता था तो मेरे हेड पे झटका आता था। तो अप शिफ्ट में तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब मैं डाउन शिफ्ट करता था ना, स्पेशली दूसरे से पहले पे जब ये बाइक जाती थी तो झटका सा लगता था हल्का सा हाथ पे, और ऐसा लगता था कि भाई जो वायर है ना क्लच की वो एकदम से खिंच जाती है। तो यार मतलब उसको ना बड़ा डर सा लगता था कि भाई कभी टूट ना जाए ऐसा कुछ, लेकिन सर्विस के बाद वो उन्होंने ठीक कर दिया, और अब भाई बिल्कुल प्यार से मक्खन से तरीके से गियर शिफ्ट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। और इंजन में तो भाई साहब क्या स्मूथनेस आ गई है भाई सर्विस करा के। और दोस्तों अब इसे हम थोड़ा सा चला सकते हैं, लॉन्ग राइड ले जा सकते हैं, तो भाई बड़ा मज़ा आने वाला है। अब हमारी राइड आने वाली है जो मेन राइड है, ओहो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई हैव नेवर बीन देयर भाई साहब, मतलब हर बंदे का ड्रीम। तो दोस्तों बाइक चलने में मस्त है। अब बात कर लेते हैं कि भाई पैसा कितना लगा है। तो यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, सबको अलग अलग पैसे क्यों लग रहे हैं बाइक सर्विस के, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जैसे मान लो मेरे से पहले मैंने कुछ वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, किसी को 4,500 लग रहे हैं, ठीक है, मेरे को लगा है 3,641, जिसमें फ़िल्टर कैम्प ऑयल, इंजन ऑयल, गैसकेट, ये सब लगा हुआ है। आपके सामने बिल आ जाएगा, अच्छे से आप देख सकते हो और एक एक प्राइस चेक कर सकते हो, इन चीज़ों में लगा है। तो मेरा आया है 3,641,42 समथिंग है, ठीक है, आपके सामने बिल आ जाएगा वो है। एंड कुछ का मैंने देखा कि भाई 29 उनका 3,000 समथिंग लगा है, कुछ का 4,500 लगा है, और चीज़ें सेम ही हैं, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ है। खैर मोस्टली जिन बंदों का खर्च हुआ है तो वो 3,000 से 3,500 के बीच में ही हुआ है। तो भाई ये कुछ कॉस्ट लगी है, एक 600cc बाइक के हिसाब से ये कॉस्ट ठीक ही है, फर्स्ट सर्विस राइट, लेबर चार्ज तो लगता नहीं है, तो भाई ठीक ही लगा मुझे। बाकी भाई चलाने में एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो दोस्तों दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप
वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।